भाई 45 मिनट की वॉक के बाद देखो मेरा चेहरा तो काला आ रहा होगा, पीछे हैमर्स दिख रहा होगा। तो भाई फाइनली टीटोस, मुम्बाज और सारे देख के हम लोग रुके हैं बागा रेस्टोरेंट बार में। सुबह के 4 बज गए हैं और भाई सो के उठ गया हूँ, एक बार नहा धो के तैयार होता हूँ फिर बताता हूँ आपको आज का शेड्यूल। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपनी गोवा की फ्लाइट। तो भाई 5 बजे पहुँच गए अपन एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में आए हुए बहुत साल हो गए हैं। कोविड से पहले कभी फ्लाई किया था लास्ट, उसके बाद फ्लाई नहीं किया है। तो भाई सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया है और टाइम से पहले ही है, फटाफट हो गया, 10 मिनट में क्लियर हो गया है। अब जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। भाई अपने पास जो स्पेयर टाइम है ना उसमें अपन देखते हैं जयपुर एयरपोर्ट की लॉन्च कैसी है। टाइम थोड़ा ही है, मतलब आधे घंटे का ही टाइम बचा अपने पास। बोर्डिंग टाइम 5:50 का है, 5:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो भाई जितने कार्ड अपने पास थे ना उनमें से एक भी लाउंज में नहीं चलता था, ये भी कमाल की बात है। इतने सारे कार्ड होने के बावजूद भी, खैर इंटरनेशनल तो इनमें काफ़ी चलते हैं, डोमेस्टिक के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस होंगी शायद, बाकी पता नहीं भाई। एयरक्राफ्ट लग गया है भाई अपना बोर्डिंग का, वेट कर रहे हैं, ऑन टाइम है फ्लाइट एकदम। तो भाई लैंड कर गए हैं गोवा एयरपोर्ट पे, मौसम हो रहा है शानदार, बारिश का मौसम हो रहा है, एक नंबर बढ़िया वेदर हो रहा है। ऐसा ही रहे ना कि बारिश भी ना रहे और ऐसा ही मौसम बना रहे तो मज़ा आ जाएगा पूरे टूर में। मैं पहुंच गया हूँ 9:45, राणा की फ़्लाइट आएगी 10:30। 10:30 बजे तक उसका वेट करेंगे, फिर दोनों साथ ही निकलेंगे यहाँ से। भाई अब 2 घंटे का टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर, राणा आए तब तक देखते हैं कुछ ठीक ठाक मिलता है खाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट ही कर लेता हूँ। मैं उतरा हूँ मोपा एयरपोर्ट। गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं, पुराने वाला है, ये शायद नया बना है, नए वाला मोपा मनोहर करके कुछ नाम है इसका पूरा। इस एयरपोर्ट पे अपन लैंड हुए, राणा की फ़्लाइट भी यहीं आ रही है। अभी क्या हुआ भाई, ये जो सामने गेट है ना यहाँ से मैं बाहर निकला कि चलो कुछ खाने के लिए देखता हूँ इधर बाहर, बाहर खाने के लिए कुछ मिला नहीं। गेट से बाहर निकलते जस्ट अंदर जाने लगा तो सिक्योरिटी वाला बोलता नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ से वापस जाना अलाउड नहीं है। मतलब बाहर निकला सिर्फ खाना के, कि भाई खाने के लिए कुछ और ऑप्शन मिल जाए वो देखने के लिए। और बाहर निकलते जस्ट 2 कदम बाहर निकाले थे, बाहर कुछ नहीं दिखा तो वापस जाने लगा तो मना कर दिया, बोले नहीं अंदर नहीं जा सकते। ये जो भाई वहाँ से बाहर निकलने वाला तमाशा है ना, ये बहुत देर से देख रहा हूँ, जो भी कोई बाहर निकलता है ना उसको ये बंदा वापस नहीं जाने देता। अभी ग्रीन टी शर्ट वाला जो बंदा है ना ये भी इसी उसमें कह रहा है कि भाई जस्ट 2 कदम ही तो बाहर निकला हूँ, बाहर इसको थोड़ी बोलते हैं, बाहर तो बोलते हैं मेन गेट से बाहर जाने को। अब ये देखो वो, ये भाई भी इसके साथ लगा हुआ है बहुत देर से समझाने के लिए। भाई ये पेस्ट्री आई है 250 रुपये की, मतलब ये तो एयरपोर्ट है, पेट भरने के लिए थोड़ा सा खाना है, नहीं तो भाई 250 रुपये में तो शानदार नाश्ता करते बाहर कहीं पे। हेलो मिस्टर राणा फ्रॉम हरियाणा। तो भाई हरियाणा के 2 छोरे पहुंच गए गोवा में और अब तारेंगे फुल उदम है भाई। नहीं स्पीचलेस। सो एयरपोर्ट से टैक्सी लेके और निकल गए हम लोग हमारे होटल के लिए, नया वाला एयरपोर्ट मोपा मनोहर पारिक के ऊपर नाम है क्या ये वाला? ओके, मनोहर पारिक जी के ऊपर नाम है इनका, इसका बढ़िया बना दिया ये नया वाला तो। और निकल गए हम लोग होटल के लिए भाई 11 बजे। ये देखो बारिश आ गई, बस मौसम ऐसा रहे कि बारिश बहुत ज्यादा भी ना रहे। नहीं 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 ज्यादा नहीं सर, अभी खुल जाएगा बस, ज्यादा बारिश नहीं रहनी चाहिए, कुछ नहीं था। बारिश आ गई फुल स्पीड। तो हम लोग पहुंच गए हैं भाई अपने होटल ब्लूम सूट्स पे, बड़ी मुश्किल से मिला है, मतलब पतली सी गली में इसकी एंट्रेंस है और हमारे को पीछे वाली गली से दिख तो रहा था लेकिन एंट्रेंस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। तो भाई ये हमारी वेलकम ड्रिंक खुद ही ले रहे हैं हम लोग, और होटल में रूम मिलेगा 2 बजे, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा बहुत घूम फिर के आसपास फिर 2 बजे आके चेक इन करेंगे। ये तो भिंडी हो गई, ये शेल्स कौन से शेल्स? सी में जो अच्छा बोलते हैं। अच्छा, और ये खाली ग्रेवी है? अच्छा, और ये फिश वैसे खाने के लिए मतलब खाली, और ये लास्ट में पीना है कोकम? ओके, हाँ कोकम तो सुना हुआ है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। एक और मंगानी? नहीं भाई राणा इतना ही खाएंगे पहले, तो आज राणा की चॉइस के हिसाब से हमने थाली मंगाई है, पहले इसको खाते हैं कितना टेस्ट हमारे को आता है, मतलब सी फूड के हम एबिचुअल नहीं है,
हमारे को अगर टेस्ट डेवलप होगा तो हम और मंगाएंगे। तो रूम मिल गया 123 नंबर, और भाई चेक इन थोड़ा सा अर्ली मतलब 1:45 बजे, 15 मिनट अर्ली चेक इन हो गया है। राणा जी चल रहे हैं 10 लीटर पानी लेके, आज इसी में नहाएंगे। है राणा जी, अच्छा एक पकड़ा दिया मेरे को। कहाँ चल रहे हैं भाई? इधर, अभी होटल का पूरा टूर कराएंगे आपको थोड़ी देर बाद। तो ये है भाई हमारा रूम, ट्विन बेड लगे हुए हैं, दो छोरे छोरे हैं ना इसलिए अलग अलग। और भाई रूम का साइज़ बहुत छोटा है लेकिन ठीक है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ कॉफ़ी वगैरह बनाने का प्रावधान है, नीचे फ्रिज है, ये इसमें तो हम प्लेट टांगेंगे, और ये एक छोटा सा टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है, बट रूम साफ है, ये बढ़िया है। तो भाई आराम किया हमने चेक इन करने के बाद, अभी लगभग 6 बजने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया शानदार सोए। राणा थोड़ी देर काम कर रहा था, काम करने के बाद सोया होगा, मैं तो सीधा सो गया। अब उठते हैं, बाहर हो रही है बारिश। ये देखो भाई, ये दरवाजे के ऊपर दिखाई दे रही है ना, फॉग जम गई है कमरे में भाई साहब, बर्फ़ जम रही है एकदम, मतलब इतना चिल्ड कर रखा है, एसी को खूब सेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एसी इतना ज़बरदस्त ठंडा कर रहा है, इतना ज़बरदस्त ठंडा कर रहा है, रजाई दे रखी है ओढ़ने के लिए। भाई साहब पता नहीं होटल वाले कुल्फी जमा के मानेंगे क्या हमारी। तो भाई निकल गए हैं हम लोग होटल के रूम से और जा रहे हैं आज शायद क्लब जाएंगे, देखते हैं क्या चार्जेस मिलते हैं। गलत आ गए भाई, दूसरी तरफ जाना है। तो भाई पैदल निकल गए, वॉक करते हुए जाएंगे, 3-4 किलोमीटर जो भी है, तो अपने बस टाइम की कोई कमी है नहीं, आराम से वॉक करेंगे तभी तो हम डीपली एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर टैक्सी पकड़ ली तो फिर पूरा गोवा एक्सप्लोर कैसे करेंगे। क्यों ना, कुछ गोवा के बारे में बताया यार। अभी 2 दिन के बाद बताऊंगा, 2 दिन बाद बताएगा, पहले हम तो एक्सप्लोर तो कर लें हम लोग खुद। तो राणा जी खा रहे हैं गोलगप्पे गोवा में, है भाई, और मैं क्या जयपुर में हमारा वो दुर्गा दास वाला भाई है, जब भी मैं जाता हूँ हर बार कहता भैया खा लो, मैं कभी नहीं खाता, लेकिन आज यहाँ 2-3 खा ही लेंगे राणा के साथ। तो भाई 45 मिनट की वॉक के बाद, देखो मेरा चेहरा तो काला आ रहा होगा, पीछे हैमर्स दिख रहा होगा, 45 मिनट की वॉक के बाद हम पहुँचे थे हैमर्स, और यहाँ पे स्टैग एंट्री के लिए सिर्फ ये लोग देते हैं टेबल, टेबल का प्राइस है 30,000 टेबल, कपल्स के लिए ही सिर्फ फ्लोर एंट्री है। तो भाई फाइनली हम लोगों की छतरी खुल गई है, देखो छतरी खुल गई, हल्की हल्की बारिश आने लगी, राणा जी की छतरी लाना सफल हो गया है। तो भाई फाइनली टीटोज मोम्बाज और सारे देख के हम लोग रुके हैं बागा रेस्टो बार में, और यहाँ पे हम बैठ रहे हैं बिल्कुल बीच के ऊपर, तो बीच में बैठेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अपना बैठ के जो भी प्रोग्राम है वो करेंगे। सामने भाई बीच है, हालांकि दिखाई नहीं देगा शायद कैमरे में, ये बिल्कुल सामने समुंदर है, और बस हमसे गड़बड़ क्या हो गई कि हम आ गए जूते पहन के, अलग जूते हमने इसलिए पहने कि हमें क्लब में जाना था, तो भाई क्लब तो जा नहीं पाए, हम बैठे हैं बीच में शैक पे, लेकिन जूते और जीन्स में आए हैं, बस ये गड़बड़ रह गई। अगर हमें पहले पता होता कि क्लब हम नहीं जा पाएंगे, मतलब अपने मतलब का नहीं होगा, तो अपन प्रॉपर बीच के हिसाब से निकर और क्रॉक्स पहन कर आते। ये भाई हमने मंगाई आज प्रॉम्फेट, वाइट प्रॉम्फेट है, आज सुबह से क्या अपना सी फूड का चल रहा है, पूरा सी फूड का सेशन चल रहा है, दिन में भी हमने सी फूड खाया था और अभी भी हम सी फूड ही खा रहे हैं। राणा जी मछलियों के बारे में समझ रहे हैं, ये देखो सामने है, अला आज ही PhD करके मानेगा, मछलियों में किस में कांटे होते हैं किस में नहीं होते हैं, ये हर तरह की फिश यहाँ रखी हुई हैं। ये भाई GoPro में देखो जितनी भी लाइटिंग आ रही है, ये इधर से बागा बीच का पूरा, ये सब रेस्टोरेंट्स हैं इधर पूरा, ये यहाँ से लेकर और वहाँ तक, ये पूरा बागा बीच है, और इसमें मतलब अभी क्या अंधेरे में समुंदर तो आएगा नहीं, समुंदर इस साइड में है, तो कल अगर बागा बीच आए तो कल दिन में दिखाएंगे आपको। तो भाई आज का फुल इंजॉयमेंट करके आ गए हम लोग वापस होटल में, पैदल पैदल आज हम 2 घंटे पैदल चल लिए, और आई होप आपको इस व्लॉग में मजा आया होगा, अगर व्लॉग में मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।